सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वल। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नाल जुड़ी वड्डी खबर, यूएई तो भारत लिया गया गैंगस्टर मूसेवाला सने मशहूर कारोबारियों के कतल च लिप्त। मस्कट च फसिया दो औरतां, राज्यसभा मेंबर सिंचेवाल दे इतना सदका परतियां वापस, दिल्ली के कौमांतरी हवाई अड्डे ते पहुंची औरतों नूं परिवार दे कीता गया हवाले। डीसी दफ्तरां दे मुलाजमां ने हड़ताल वापस लैण दा कीता ऐलान, इस दिन तो मुड़ परते आ दफ्तर, लोगों नूं अज तों मिलणगियां सारियां सेवावां। कौमी जांच एजेंसी NIA ने जेल विच बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने दसिया कि विक्रम बराड़ को हवालगी तहत संयुक्त अरब अमीरात तो भारत लियादा गया, जिस तों बाद उसनों गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ने एक बयान च कहा है कि NIA की एक टीम विक्रम बराड़ को भारत वापस लियाने UAE गई सी। NIA ने कहा है कि बराड़ मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और होर कारोबारियों के कतल च शामिल सी। वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ के होरां की मदद नाल भारत में हथियारों की तस्करी से जबरी वसूली के मामले च भी शामिल सी। जांच एजेंसी ने कहा है कि बराड़ साल 2020 तो भगौड़ा भारतीय दंडावली दीआं वख-वख धाराएं दे तहत कुल 11 मामलों च पुलिस नूं लोड़ींदा सी। ट्रैवल एजेंटा हथों ठगियां औरतों का अरब देशों च शोषण लगातार जारी है। इन्हां ट्रैवल एजेंटा हथों सताईया औरतों नूं बचाउण च लगे राज्यसभा मैंबर संत बलवीर सिंह सिंचेवाल दे इतना सदका अज दो होर पंजाब दीआं धीआं अपने परिवारां च पत सकियां ने। दिल्ली के कौमांतरी हवाई अड्डे ते इन्हां दोवां औरतों नूं लैण लई राज्यसभा मैंबर संत बलवीर सिंह सिंचेवाल पहुंचे हुए सन। राज्यसभा मैंबर संत सिंचेवाल ने दिल्ली विखे रिहायश ते इन्हां दोवें औरतों के परिवारक मैंबरां नाल गलबात की ते ट्रैवल एजेंटा विरुद्ध ढुकवीं कार्रवाई करन दा भरोसा दिंदिआं कहा कि उह यतन करेंगे कि विदेश जान लगे उन्हां दे पैसे वापस हो सकन। रूपनगर के विधायक दिनेश चड्डा वालों दोबारा सोशल मीडिया से पाई पोस्ट के बाद संतुष्ट हुई कर्मचारी यूनियन ने देर रात हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की है। डीसी दफ्तर यूनियन लुधियाना के सुखपाल सिंह ने भी जानकारी देते हुए दसिया है कि विधायक ने अपनी पोस्ट च कहा है कि उन्हों का किसी भी कर्मचारी दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं सी, जिसके बाद यूनियन ने काम से वापस मुड़न का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के रूपनगर तो विधायक दिनेश चड्डा से तहसील के अचानक निरीक्षण के न तहसीलदार समेत दफ्तर के दूजे स्टाफ नाल दुरव्यवहार करन दा दोष लगा के पिछले तीन दिनों तो हड़ताल से चल रही पंजाब रेवन्यू अफसर यूनियन ते उन्हां दी हमायत करने वाली डीसी दफ्तर इंपलाइज यूनियन ने अपना संघर्ष जारी रखने का फैसला करदिआं 30 जुलाई तक कामकाज बंद रखने का ऐलान किया। पाकिस्तान के बदीन जिले के कस्बा राजू खनानी च एक 10 साल हिंदू बच्ची नाल जबर जनाह करके उसका चाकू मार के कतल करन तो बाद लाश कब्रिस्तान विच सुट दी गई। कब्रिस्तान विच लाश पई वेख के लोगों ने पुलिस नूं सूचित किया। सूत्रां अनुसार मृतकों के परिवार वाले ने दसिया है कि उन्हां दी बच्ची शाम नूं घर के बाहर खेड रही सी, जिस तों बाद वह लापता हुई। इस संबंधी पुलिस नूं भी सूचित किया गया सी, पर दूजे दिन उसकी लाश कस्बे के कब्रिस्तान विच पई मिली है। उसके शरीर से चाकू नाल हमला करके कतल करन दे निशान सन। दूजे पासे पुलिस ने लाश नूं कब्जे च लैके जदों पोस्टमार्टम करवाया तो डाक्टरों ने अपनी रिपोर्ट च दस्सिया कि बच्ची का कतल करन तो पहला उस नाल जबर जनाह किया गया सी। मृतक बच्ची के परिवार वाले ने कस्बे के होर लोगों नाल मिल के रोस प्रदर्शन करके दोषी नूं तुरंत गिरफ्तार करदे सख्त सजा देने की मांग की। बेगमपुर आइड इंटरनेशनल टीम फ्रांस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सिद्धांतों से चल के मानवतावादी भलाई के कार्य करने हर समय तैयार रहती है। इन गलों का प्रगटावा बेगमपुर आइड इंटरनेशनल टीम फ्रांस के मुख सेवादार भाई राम सिंह मैंगड़ा ने कहा। उन्होंने कहा कि सतगुरु रविदास महाराज जी बेगमपुरे के सुपने नूं पूरा करने लिए साडी संस्था बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग की सहायता कर रही है। हुण बेगमपुरा आइड इंटरनेशनल हड़ां की मार हेठ आए पंजाब के वख-वख इलाकों में सर्व समाज की मदद कर रही है। चाहे दरियावां ते नहरां दे कंडियां ते मिट्टी पा के बन लाउणे होण जां मिट्टी का प्रबंध करना होवे, सब कार्जां विच डटी हुई है।
झारखंड की राजधानी रांची च भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के एक नेता का अनपछाते लोगों ने गोली मार के कतल कर दिता है। पुलिस ने दसिया कि घटना रांची के दलादली चौंक से बीते दिन उस समय वापरी जदों सुभाष मुंडा अपने दफ्तर च सी। सीपीआईएम सूबा सकत्तर प्रकाश विपलम ने दसिया कि बाइक सवार बदमाशा ने मुंडा से 7 गोलियां चलाई। पुलिस अधिकारी ने दसिया कि घटना तो बाद मुंडा के समर्थकों ने काफ़ी भन तोड़ की। हड़ पीड़ितों लिए जिथे समाज सेवी संस्थावां राजनीतिक ते धार्मिक शख्सियतों वल्लों वड्डी सेवा निभाई जा रही है, उत्थे ही फिरोजपुर तों साबका विधायक सुखपाल सिंह नन्नू इस सेवा विच दिन रात डटे हुए ने। फिरोजपुर शहरी हल्के दे बहुतात पिंड सतलुज दरिया की मार हेठ आउंदे ने। बीते दिनी दूजी वार फिर सतलुज दरिया च वधेरे मात्रा विच पानी आउण कारण लोगों नूं अपने घर छड़ के सुरक्षित जगह ते निकलना पिया ते पिंड निहाला किलचां दे आस पास वसे लोगों वल्लों इकदम घर बार छड्डण दी सूरत विच बहुत सारे ट्रैक्टर ट्रालियां पानी विच फसे रह गए, जिन्हां नूं सुखपाल सिंह नन्नू ने लोगों की सहायता नाल वड्डे बेड़े राही बाहर सुरक्षित जगह पहुंचाया। स्थानक लोगों ने इस संबंधी सुखपाल सिंह नन्नू का धन्नवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इस सेवा राही किसी के एहसान नहीं कर रहे, सगों इन्हां लोगों द्वारा उन्होंने परिवार को बख्शे प्यार का कर्ज उतार रहे। पंजाब दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पटियाला ते संगरूर जिले के हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जिला पटियाला ते संगरूर विच पंजाब सरकार प्रशासन ते लोगों के सहयोग नाल इस कुदरती आफत के किते टाकरे ते तसली प्रगटाई। उन्हें कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट सही ते समय सिर होने कारण वड्डा नुकसान होने बचे। उन्हें कहा कि इस कुदरती आफत कारण लोगों के हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसका मुआवजा पंजाब ते केंद्र सरकार बहुत जल्द देगी। पिछले दिन ही हुई बारिश कारण भिखे विंड के पिंड ठठे के किसानों की सोने वर्गी झोने की फसल बारिश के पानी की निकासी ना होने कारण पानी विच डुबन कारण तबाह हो चुकिया ने। पर सरकार जां तरन तारण प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने पिंड ठठा के इन्हां पीड़ित किसानों की सार नहीं ली, जिस